आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जोड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक लेके जाना है। हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था भी 1 ट्रिलियन डॉलर तक लेके जाने का हमारा लक्ष्य है। बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। हमारे महाराष्ट्र को दिशा देने वाले युगपुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज के शिक्षा में राजमाता जिजाऊ माँ साहेब का योगदान सबसे महत्वपूर्ण था। पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर जी ने हमें जनकल्याणकारी प्रशासन का आदर्श दिया। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने नारी शिक्षा की ज्योत जलाई। माता रमाई ने समानता की लड़ाई में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का साथ दिया। इस तरह महाराष्ट्र और देश को बनाने में मैं इन्हीं सभी आदर्श महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है। दोस्तों, सन 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने देश के उत्थान के लिए जो महत्वपूर्ण काम किए उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम था महिला सशक्तिकरण। इसके तहत उन्होंने उज्ज्वला योजना से लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे उपक्रम शुरू किए। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी की सरकार ने देश के कई घरों में रसोई गैस पहुंचाने से लेकर हर घर में के लिए बाथरूम बनाने के लिए योजनाएं शुरू की। इन सारी योजनाओं के पीछे उन्होंने मातृशक्ति के हित की सोच रखी थी। महिला स्वयं सहायता समूह देश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के स्वयं रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इन स्वयं सहायता समूह से निकले छोटे बड़े उद्योग से महिलाओं में एक आत्मविश्वास आया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जोड़ा है। इन स्वयं सहायता समूह को मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के कारण 8 लाख करोड़ रुपए का बैंक ऋण और 40,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उन सबको मिली है। आज मैं माताओं बहनों से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक लेके जाना है। हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था भी 1 ट्रिलियन डॉलर तक लेके जाने का हमारा लक्ष्य है। हमें इस देश के आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए महिला सशक्तिकरण पर जोर देना जरूरी है। आज महिलाएं आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सभी क्षेत्र के खुद को साबित कर रही है। वे अपने दम पर आगे बढ़ रही है, जो हमारे देश और राज्य के लिए एक गर्व की बात है। हम सब मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में समान अवसर मिलने यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने शासन से लेकर युद्ध के मैदान में लड़ने तक महिलाओं को शक्ति और साहस दिया। उनके स्वराज में महिलाओं को सम्मान था। मैं आज आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि हमारी सरकार इन विचार और विरासत को लेकर आगे जाएगी। जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगा, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।